जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड स्टॉक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको डिस्कशन करने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि इस स्टॉक में आज तकरीबन 5% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। तो इस गिरावट के पीछे की वजह को समझेंगे, जानेंगे जब यह स्टॉक अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, अच्छी रैली चल रही थी इस स्टॉक में, तो अचानक ये स्टॉक में गिरावट देखने को क्यों मिला, लोअर सर्किट में यह स्टॉक आज चला है, तो इसके पीछे की वजह को समझेंगे। और सबसे जरूरी चीज, जो इस स्टॉक में अभी आज से राइट इशू ओपन हुआ है उसमें अब तक आपने क्या किया और आगे अभी आपको में क्या करने की जरूरत है, इसके बारे में भी अपडेट लेंगे। सबसे पहले चलिए राइट इशू को समझ लेते हैं, फिर बाद में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि राइट जो इस कंपनी का शेयर प्राइस है वो आज क्यों गिरा, इसके बारे में हम लोग अपडेट लेंगे। इस ऊपर बात करने के लिए राइट इशू में आपको कैसे अप्लाई करना है इसको समझने के लिए अभी हम लोग कंपनी बीएस इंडिया की वेबसाइट पर आए हैं और यहाँ पे मैंने इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड को ओपन किया हुआ है। यदि यहाँ पे आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन में आपको दिखाऊं तो देखेंगे आज 6 फरवरी के दिन इस स्टॉक में लोअर सर्किट देखने को मिला है। तो लोअर सर्किट जिसमें बताया, शुरू बाद में हम लोग समझेंगे कि इसमें लोअर सर्किट क्यों लगा है। अभी फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं राइट इशू के जो भी अपडेट हुआ है, जो आज से अब ओपन हुआ है, इसके बारे में। तो अभी हम लोग आ गए यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शंस में। यहाँ पे देखेंगे राइट इशू जो इसका रिकॉर्ड डेट रखा गया था राइट इशू का 29 जनवरी को रखा गया था, यानी कि 29 जनवरी के पहले पहले तक यदि आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो राइट एंटरटेनमेंट के शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में आ गए होंगे। आपको पता है कि 13:50 के रेशियो में कंपनी ने राइट इशू का शेयर्स अनाउंसमेंट किया था, यानी कि यदि आपके पास मिनिमम 50 क्वांटिटी रहे होंगे इंडियन इन्फोटेक के तभी आपको 13 RE शेयर्स मिले होंगे। अब ध्यान से समझिए, कंपनी ने टोटल जो इक्विटी शेयर्स राइट इशू के जरिए ओपन इशू किए हैं वो किए हैं 26 करोड़ 54 लाख के करीब। अब इसमें से इसका जो प्राइस रखा गया है राइट इशू का वो रखा गया है 1.60 रुपये पर इक्विटी शेयर, और अभी मार्केट में कंपनी का शेयर प्राइस तकरीबन 2.5 रुपये के करीब चल रहा है, यानी कि मार्केट प्राइस से देखें तो तकरीबन 39% सस्ता अभी आपको ये शेयर्स मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, इतना सस्ता मिल रहा है तो आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं भी अप्लाई करना चाहते तो इसको आपको समय पर बेच के निकल जाना चाहिए, जिसके बारे में बताऊंगा कि इसको कब बेच के निकलना है, कब इसका लास्ट डेट है बेच के निकलने के लिए, नहीं तो आपको इससे बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। टोटल 41,83,50,000 कंपनी का जो साइज, जो पैसा कंपनी उठाना चाहती है राइट एंटरटेनमेंट इस राइट इशू के जरिए, इतना बड़ा रकम कंपनी मार्केट से उठाना चाहती है। अब ध्यान से 2-3 डेट को आप समझिए। सबसे पहले आज से, यानी कि 6 फरवरी से इस कंपनी का जो राइट इशू है वो 6 फरवरी से ओपन हो रहा है और 8 फरवरी तक ओपन रहेगा। यदि आपको इसमें अप्लाई नहीं करना है तो आप इसको क्या कीजिएगा, 8 फरवरी के पहले तक इसको बेच दीजिएगा, व नहीं बेचेंगे तो राइट आरई शेयर जो आपको डिमेट अकाउंट में भी दिख रहे हैं वो क्या होगा, जब 8 फरवरी के बाद आपको डिमेट अकाउंट में 0 दिखने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि जब राइट इशू चलते कंपनी के शेयर प्राइस का एडजस्टमेंट होगा तो उससे आपको लॉस हो जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए नहीं भी अप्लाई करना चाहते तो आप इसको 8 फरवरी के पहले तक बेच दीजिएगा। हालांकि ये जो राइट इशू ओपन है ये ओपन रहेगा 13 फरवरी 2024 तक। 13 फरवरी 2024 तक इसमें अप्लाई करने का आपको लास्ट डेट है, लेकिन आपको यदि इसको बेच के निकलना चाहते तो 8 फरवरी तक ही आपको बेच के निकलना होगा, नहीं तो फिर 8 फरवरी के बाद ये जो शेयर से टोटल आपको 0 हो जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको राइट इशू में अप्लाई कैसे करना है। राइट इशू में अप्लाई करने के लिए देखिए 2-3 तरीके होते हैं। एक तो सबसे पहले आपको बीएस इंडिया की वेबसाइट पर आना है, और बीएस इंडिया की वेबसाइट पर आने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप आ जाइएगा, एक ऑप्शन आता है कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन का, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पे जब आएंगे तो आरटीए का आपको वेबसाइट मिल जाएगा, ईमेल मिल जाएगा, यहाँ से आके आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आपको आपके ईमेल में यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जो आरई शेयर्स आए हैं उसमें एक लिंक आया होगा, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा और जो सबसे इफेक्टिव मेथड है वो नेट बैंकिंग के जरिए, यदि आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आपने आसबा का नाम सुनना होगा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। इसकी ये एक बहुत प्रीफर्ड मेथड होता है इन्वेस्टर्स का आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, ये राइट इशू में अप्लाई करने के लिए, इसके जरिए भी आप जाकर इजीली राइट इशू में अप्लाई कर सकते हैं। तो राइट इशू संबंधी जो भी डिटेल मैंने आपको दे दी, अब चलिए सीधे चलते हैं कंपनी की डिटेल पर, वहाँ पर बाकी चीज़ों को समझते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं इंडियन इन्फोटेक का शेयर प्राइस आज तकरीबन 5% के आसपास क्यों गिरा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो कंपनी का काम है, जो कंपनी काम करती है और जो बाकी जो कंपनी का फंडामेंटल है, दोनों काफ़ी बढ़िया है, इसमें नो डाउट। लेकिन कहने का मतलब, जब राइट इंटरटेनमेंट का जो शेयर्स आपको मिला है, और चूंकि आज से ये इशू ओपन हुआ है 6 फरवरी से, तो जैसे मैंने बताया कि 8 फरवरी तक इसको लास्ट डेट बेच के निकलने का, तो जो लोग इसमें अप्लाई नहीं करना चाहते वो क्या कर रहे हैं कि आरई शेयर्स को बेच के निकलना चाह रहे हैं। यदि मैं यहाँ पे इसके चार्ट में दिखाऊँ तो आप देखेंगे कि एग्जैक्ट ये तकरीबन आज का ही यहाँ पे समझ लीजिए कि ये डेट है जहाँ से ये प्राइस नीचे आना शुरू हुआ है, इतना नीचे। अब देखिए, जब लोग शेयर्स बेच के निकलेंगे तो जाहिर सी बात है प्राइस थोड़ा सा करेक्ट होगा, और ये चूंकि काफ़ी ऊपर चला भी गया था, तकरीबन 3 रुपये करीब लगता है, यहाँ से देख रहे हैं 1.80 रुपये से उठना शुरू हुआ, तब से लगता है प्राइस ऊपर जा भी रहा है,
तो एक हायर अमाउंट पर जाने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी बनती है, और चूंकि लोग आपने आरी शेयर्स को बेच के निकल रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस थोड़ा सा करेक्ट करने के लिए नीचे आ रहा है, ज़्यादा नीचे नहीं आएगा उम्मीद है। बहुत ज़्यादा दूर पर 40 पैसा पर एक सपोर्ट है, इसके बाद इसका एक सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा आपको 2 रुपये करीब, तो बहुत नीचे आएगा, 2 रुपये के आसपास आएगा। लेकिन फिर चूंकि कंपनी का काम बढ़िया है और फंडामेंटल बढ़िया है, तो 2 रुपये तक आने के बाद यहाँ से फिर प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर उठेगा, और फिर प्राइस आपको इजिली कम से कम 3 और 3 के बाद फिर 5 रुपये तक जाते हुए आपको दिखेगा। तो ये शॉर्ट टर्म की ग्राउट है, इससे आपको घबराना नहीं है। जिसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि जो इंडियन इन्फोटेक कंपनी है, ये काफ़ी शानदार कंपनी है, इंडियन इन्फोटेक कंपनी में आपको कुछ सोचने घबराना नहीं है। यदि आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप इसमें लंबी अवधि के निवेशक बनिए, आपको बेनिफिट होने ही वाला है। तो उम्मीद करता हूँ इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी के बारे में जो जानकारी मैंने दी आपको समझ में आया होगा। मन में कोई कंफ्यूजन है सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।